माशाल्लाह कितना मजे का मौसम है। आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे, बारिश बहुत तेज हो रही है। और दोस्तों अभी मुझे पता चला है कि ऊपर काफी ज्यादा तेज बारिश होगी, तो मैंने कहा जाकर परिंदे वाला देख ले। और अभी भाई ने आके बताया, कहते हैं काफी ज्यादा तेज ये तो सोचिए मुझे कि बारिश शुरू हो गई है। और कितने मजे का मौसम हो गया, ऊपर अंदर तक पानी आ रहा है। दोस्तों सुबह जब मैंने दाना वगैरह डाला था उस टाइम तो कोई बारिश वगैरह नहीं हो रही थी, लेकिन अब पता नहीं कैसे बारिश हो गई है। तो बारिश का रुख है ना, देखिए वो सीधा दीवार की तरफ है इधर। तो मैं जाता हूँ जल्दी से अपने सेटअप पे। हमारे घर में कुछ बच्चे आए थे, वो कह रहे थे, कहते हैं कि ना आपके कुछ तोते उड़ गए, उसको तो हमने बंद कर दिया है। तो मैंने वो जाके जब देखने और यहाँ से अपना मौसम देख लेते हैं। माशाल्लाह कितना मज़े का मौसम है, सुभान अल्लाह। अचानक से मौसम चेंज हुआ और पता भी नहीं चला। और हम यहाँ साइड पर जा के ना अपने जो परिंदे वगैरह हैं उन्हें देख लेते हैं। दरवाज़ा ऑलरेडी बंद हो गया, हम तो थोड़ा सा बंद कर देते हैं, बंद हो जाओ थोड़ा सा। देखिए वो जो कोने वाली जगह, देखिए बिल्कुल साफ है। देखिए वो हमारी मुर्गियाँ भी अंदर हैं और हमारा खरगोश तो क्यों बंद हो गया। फिर चले अब हम जाते हैं कबूतरों वाली जगह पर भाग के, उसके बाद फिर हम बाकी बातें आपको जाकर बताते हैं। ओए आगे अंदर कैसे हो तुम लोग, ठीक हो ना? देखें आस्ता आस्ता, देखें यहाँ से पानी आना शुरू हो गया। और ये अभी ना कुछ दिन बाद सारा पानी पानी हो जाएगा। और इसमें जो हमारे तोते थे आपने तीन देखे थे पुरानी वीडियोस में, वो अब इसमें नहीं है। वो मैं आपको बताता हूँ इनसे पूछ के क्या हुआ था। जब तुम सुबह आए थे दो तोते भाग गए थे, और तीसरा किधर है? तीसरा वो हमने में डाल दिया, वो रहा। कौन सा वाला है? वो ब्लू वाला। तो कितना पकड़ा है तुम लोगों ने? तो जाली से या कपड़े से पकड़ा था? इससे पकड़ के डाल दिया था। दोस्तों जैसे बच्चे सुबह ऊपर आए थे तो ये जो तोता था ये इधर बाहर घूम रहा था, और जो बकाया दो तोते थे, क्योंकि मैं अपना आपको पता है रात को ये दरवाज़ा खोल के तो उसको मैं बंद नहीं करता। तो ये कह रहे थे कि यहाँ से जो तोते थे उधर एक ही तोता बाहर फिर रहा था, बकाया जो दो तोते थे वो हमने नहीं देखे। तो जो दो तोते थे वो तो यहाँ से उड़ के चले गए, और अब फिलहाल एक ही रह गए जो बच्चों ने ना पकड़ के ना उसके अंदर रख दिया है। तो पत्नी बेचारे कहाँ पर गए कहाँ नहीं गए। तो बकाया हम अपनी मुर्गियाँ वगैरह देख लेते हैं। ओए होए कितने मज़े की बारिश हो रही है। अरे कैसे हो तुम लोग, ठीक हो? बारिश हो रही सारे, देखिए ऊपर जाके बैठ गए आराम सुकून से। और हमारे रैबिट्स वगैरह थे वो भी देखिए उधर कोने में चले गए और ले गए। ये हमेशा इधर ही बैठे रहते हैं, इनका ना कोई और घर नहीं है, जब भी इन्हें देखें तो इधर ही होते हैं। अरे नीचे आओ नीचे आओ नीचे, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, गीले हो जाएंगे सारे। ओए आ। और दोस्तों अब हम छत पे तभी जाएंगे जब बारिश वगैरह रुकेगी, क्योंकि हमारी जो मुर्गियाँ थी वो भी अंदर चली गई हैं। और जो हमारे इसको खोलो, और जो हमारे कबूतर थे वो भी अंदर चले गए। तो अब हम दरवाज़ा बंद करते हैं और अब हम जाते हैं नीचे, और इंशाल्लाह जिस टाइम बारिश रुकेगी 3-4 बजे फिर हम ऊपर आएँगे। चलो दरवाज़ा बंद कर दो, आ जाओ नीचे, आ जाओ आ जाओ, ज़ोर से ज़ोर से, हाँ आराम से, हाँ बंद कर दो। मेरे ख्याल में ना बारिश तो रुक गई है, देखें ऑलरेडी बारिश रुक गई है। और काफ़ी मज़े का मौसम था कुछ टाइम के लिए ना, बड़ा स्वीट सा मौसम हुआ है, बारिश हुई हल्की हल्की, उसके बाद देखें मौसम देखें बिल्कुल चारों तरफ साफ़ हो गया। और मैं नीचे से रोटी भी लिए हूँ, क्योंकि हमने ना सुबह रैबिट्स को ना कुछ भी नहीं डाला था, जिस वजह से इनको तो भूख लगी हुई बेचारों को। आ जाओ ये, क्योंकि ये रोटी ना काफ़ी ज़्यादा शौक से खाते हैं, और नरम रोटी थी मैं ले आया हूँ। और दोस्तों हमें नहीं पता कि हमारे जो तोते थे इस तरफ गए या इस तरफ गए, पत्नी हमारे तोते किस तरफ गए हमें समझ नहीं आई किसने खोला है। जिससे मैं ऊपर गया हूँ ना, तो मैंने जो देखा है कि ये जो देखिए क्लिप इधर अड़ा हुआ है ना, ये वाला क्लिप इधर खुला हुआ था, और फिर इस क्लिप को अभी मैंने ही बंद किया है। और देखिए इधर सारा का सारा देखिए पानी जमा हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, एक वो सुराख है एक वो सुराख है, इसको मैं जल्दी से साफ़ कर लूँ ताकि ये जो पानी है ये यहाँ से नीचे जाए, हमारे कबूतरों को डिस्टर्ब ना करे। तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इनका पानी आस्ता आस्ता निकल जाएगा, मैंने तो इनकी सफाई वगैरह कर दिया है। और जो हमारी जो डल्स थी दोस्तों, इन लोगों ने ना फिर से अंडे दे दिए। और आपको पता है ये दोनों फीमेल ही हैं, जब तक हमारा मेल बड़ा नहीं होगा ना तब तक ये ऐसे अंडे देती रहेंगी, और इनके ऐसे अंडे वेस्ट ही होते रहेंगे। और दोस्तों मज़े की बात आपको मैंने एक और बतानी थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि हमारे जो कॉकटेल हैं वो बच्चे बिल्कुल नहीं दे रहे, हमें बच्चे मारते जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देख मैं काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, उम्मीद है आपको भी खुशी होगी। जो हमारे कॉकटेल ने एक बच्चा दिए थे माशाल्लाह से, वो थी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, देखिए वो बाहर आ गई थी। ये बच्चा
ये मेल फीमेल है और ये ना उनका माशाल्लाह से बच्चा है। और दोस्तों कल जब मैंने देखा ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई है, तो मैं ये बात आपसे भी मैं शेयर करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हम कामयाब हुए हैं कोटेल के बच्चे लेने में और बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। बारिश देखें दोस्तों आस्ता था फिर से स्टार्ट हो गया और अब हमें दोबारा नीचे जाना पड़ेगा और शाम को ही फिर ऊपर आना पड़ेगा। ये बहुत मज़े की बारिश हो रही है, थोड़ी देर हो रही है थोड़ी देर रुक रही है थोड़ी देर हो रही थोड़ी देर रुक रही है। और देखिए हमारा जो वोला जो बाउल है उसमें देखिए पानी काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हो चुका है, ख़राब हो चुका है, तो उस पानी को भी हमें वेस्ट करना होगा और फिर जब बारिश होगी ना फिर उसमें ऑटोमेटिकली पानी खुद ब खुद भर जाएगा। तो हम जाते हैं आस्ते बाहर, ठीक है यार अपना ख्याल रखना, ठीक है ना। तो मैं आऊँगा शाम को आपको दाना वाला डालूंगा, ठीक है। और मुर्गियाँ भी देखिए हमने अपनी खोल ली थी माशाल्लाह, हमारी मुर्गियाँ बाहर इंजॉय कर रही हैं और जो हमारे चूज़े हैं उनको भी मैंने खोल लिया, वो भी इंजॉय करें। और बकाया जो हमारे कबूतर हैं जब उनका दिल चाहेगा वो बाहर आ जाएंगे। तो अब मैं जाता हूँ नीचे, बारिश और ज़्यादा तेज़ होगी, देखिए कितनी तेज़ होगी बारिश की थी। ओए होए 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 अब जाता हूँ मैं नीचे, ठीक है ओके टाटा बाय बाय, मैं शाम को ऊपर आऊँ, ठीक है आपको दाना डालूंगा। अभी बारिश में खूब इंजॉय करो। एक हमारा कबूतर पता नहीं बच्चे कह रहे हैं इधर गया, किधर है किधर है किधर है, अभी मैं छत के ऊपर से ऊपर आकर देखो, ऊपर है नहीं है, जाकर देखो उठो, इधर इधर से देखो, इधर इधर से जाओ, इधर से देखे कि छत पे है नहीं है, छत पे अभी इस तरह उठो, उस तरफ की दुकान की तरफ से ऊपर चली गई, ऊपर चली गई है। चलो ऊपर जाके देखते हैं, ऊपर जाके बात सुनो ना, इधर बात सुनो बात सुनो, तुमने एक काम करना है, ये जो घास है ना ये घास थोड़े के ऊपर नहीं, बस छोड़ो घास नहीं अलग के, क्योंकि हम आम के छिलके जो लेके जा रहे हैं खरगोशों के लिए, आ जाओ ऊपर जाके देखते हैं। ऊपर जाकर उसके ऊपर चढ़ कर उधर जाता हूं तो वो उधर से उड़ करके नीचे गिर गई है, नीचे फिर वहाँ से किधर गई है, वहाँ से फिर उड़ कर वो दुकान वाली साइड से पिछले वाले, कौन से कलर की थी हाँ थी, काली कलर की थी। हमारे काले कबूतर तो हमने जो नया पकड़ा था वो भी सामने बैठा हुआ है, देखें ये भी वो सामने बैठा हुआ है, उसका सर नज़र आ रहा है, वो कह पता नहीं कौन से कबूतर का नाम ले रहा है। और दोस्तों आपको एक और भी बात करनी थी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि बारिशें ख़त्म होगी तो हम जाके ना जैसे मिट्टी वगैरह सूखेगी तो हम अपने रैबिट्स के घर के लिए ना मिट्टी वगैरह ले आएंगे। तो देखें इनके घर हमने ऑलरेडी रेडी कर दिया है, लेकिन अब ना हमारा मिट्टी का वेट है, हम जो वेट कर रहे हैं मिट्टी का वेट कर रहे हैं, अब जिस टाइम ना बारिश वगैरह ख़त्म होता है मिट्टी लाएंगे। आज मेरा पक्का इरादा था कि हम अपने चिंकू मिंकू के लिए, बाप है मैं उसे रैबिट्स निकल जाता है, हम अपने चिंकू मिंकू के लिए मिट्टी वगैरह लेके आएंगे और इनका घर बनाएंगे और ये काफ़ी ना जल्दी इंशाल्लाह अपने बच्चों पे आ जाएंगी। तो बस आज मैंने इसी वीडियो में कंप्लीट करना था कि मिट्टी लानी थी और सब कुछ इनका क्लियर कर देना था, लेकिन ये नहीं हो पाया क्योंकि बारिश हो गई थी। और अब देखें बिल्कुल मौसम साफ़ हो गया और देखें अब सूरज भी निकल आया है, उस दिन का वेट है जिस टाइम हफ्ता पूरी धूप निकलेगी और जब मिट्टी वगैरह सूख जाएगी सही तरह तो फिर हम वो मिट्टी लेके आएंगे और फिर वो मिट्टी हम इनके घर में रखेंगे। ओह मैं जिस तरह बुलाता हूँ ना हमारे सारे कबूतर ना दाने के लिए आ जाते हैं, आप देखना उस छोटे को मैंने बोला दाना लेके आए, आप देखना सारे इधर आके ना दाना खाना शुरू हो जाएंगे। इधर से पीछे आगे ना जाओ, आगे ना जाओ, देखो देखो ओह 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 ओह, सारे कबूतर ने देखें दोनों पे टूट पड़े हैं। और देखिए ये हमारा मुर्गा इन्हें डिस्टर्ब कर रहा है, और तो मैंने तंग ना करना तो मैं बंद कर दूंगा, ठीक है ना। और चलिए दोस्तों इन्हें दाना वगैरह डाल दिया और खरगोशों को भी हमने देखें आम वगैरह डाल, और ना डालो ज़्यादा ना डालो ज़ाया कर देंगे। और जो हमारे खरगोश थे देखिए माशाल्लाह से वो अभी इधर मुझे देख के देखे फिर अंदर भाग गए। इसलिए दोस्तों इनका मैं मिट्टी के घर ही बनाता क्योंकि मैं जो चाहता हूँ ना इन्हें मैं 24 घंटे देखता रहूँ, और ये जैसे हमें देखते हैं तो फिर अपने घर के अंदर भाग जाते हैं। तो चलें कोई खास बात नहीं है, मिट्टी हम लेके आएंगे इनके घर वगैरह हम बनाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। तो अब तुम खाओ दाने वगैरह, तो अब हम रात को ही ऊपर आएँगे और देखेंगे कि रात के टाइम हमारे परिंदों की क्या कंडीशन होती है। और आइंदा के बाद ना हमें ये दरवाज़ा बंद करना है क्योंकि आज हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, हमारे दो तोते उड़ गए और हमें पता ही नहीं है, और शुक्र है तीसरा जो तोता था इन बच्चों ने पकड़ लिया है। तो आने के बाद ना ये जो दरवाज़ा ना हम रात को बंद किया करेंगे, अगर कोई भी परिंदा होता है ना रात को खोल जाता है तो हम दिन के टाइम ना उसे पकड़ के ना अंदर डाल देंगे, उसके बाद फिर दिन को हम कबूतर खोला करेंगे। और जैसे ही देखिए मैं इधर साइड पर दरवाज़ा बंद करने के लिए, देखिए हमारा जो रैबिट है देखिए फिर से बाहर आ गया और आम के जो छिलके हैं वो खाना शुरू हो गया। तो इस टाइम उसकी रात और हम जाते देखते कि हमारी परिंदों की ना क्या क्या कहते हैं खुल जाओ। और जो हमारे रैबिट्स हैं देखिए वो बाहर ही फिर रहे हैं, वो देखिए उधर सामने अभी अंदर चले गए, आपको इनकी आंखें नज़र आ रही हैं, ये थी इनकी आंखें, इनकी आंखें ना लाइट की तरह चल रही होती हैं। तो चलो चलो आराम से तो मंदिर बैठा था, उनको मैं तंग नहीं करता। कल हमारा मुर्गा था वो भी इधर रिलैक्स होकर बैठा हुआ है, और जो हमारे तीन मुर्गे थे ये इसके चूज़ों के साथ इधर बैठे हुए हैं, दो चूज़े हमारे ये और एक चूज़े इनके साथ ये बैठे दरमियान में, बकाया हमारी मुर्गियाँ इधर बैठी हुई हैं। तो इनको भी हम खोल के रखें बंद करें, ऐसे ना कि कवे छवे हैं या कोई चीली शीला इन्हें ले जाए, तो यार समझ नहीं आ रही, अगर मैं इनको बंद करता हूँ तो तभी सुबह इन्हें मुर्गियाँ मारेंगी, और मैं बंद नहीं करता तो चील और बिल्लियों की मेरी टेंशन होगी। तो यार चलो उन्हें को खोल के ही रखते हैं, अगर मुर्गियाँ इन्हें मारे भी सही ना तो ये आराम से बाहर आ जाएँ और फिर छत पे घूमें। और पका जो हमारी कुड़कुड़ी मुर्गी थी
इसकी तारीख मुझे याद नहीं है कि कौन सी तारीख को बैठी थी। जब ये उठेगी तभी देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल मुझे पता ही नहीं है कि अब कौन सी तारीख को बैठी थी, कौन सी तारीख अंडे निकालेगी। मेरे जहन में ये नहीं रहा कि लिख दे बंदा, याद कर लेना तो फिर इसको याद रहता है। कुछ दिनों बाद इसको भी अंडे को हम कैंडलिंग कर लेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा। सारे इधर ऊपर बैठे हुए आराम सुकून से, और जो इसके अंडा मुझे टूटा हुआ नजर आया, पता नहीं किस कबूतरी ने अंडा दिया और नीचे गिर के टूट गया। बकाया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तोते वगैरह सारे ठीक है, और हमारे कॉकटेल का बच्चा था देखिए वो कोने पे आपको नज़र आ रहा है, वो बैठा हुआ है। चलो तुम लोग मैं तंग नहीं करता, आराम सुकून से बैठे रहो, इनका हम तंग वगैरह नहीं करते। और ये देखें इधर घुसे हो, इधर क्या कर रहे हो, इधर इधर खुले होकर बैठो ना यार, इधर खुले होके उधर लाजमी घुसे आप लोगों ने। हाँ इधर बैठो आराम सुकून से, चलिए ना आप तंग नहीं करते। तो मैं आज क्या करता हूँ कि आज ना इनका ये दरवाज़ा मैं बंद कर देता हूँ, ये इधर आराम सुकून से, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो हमारे जो तोते वगैरह उड़ जाते हैं ना, तो फिर जब दरवाज़ा बंद होगा तो हमें ये फ़ायदा होगा कि जो हमारे तोते वगैरह हैं ना वो फिर उड़ नहीं पाएंगे, तो उनको हम अंदर से पकड़ कर अंदर डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ जी कैसे हो, मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो, आओ आओ इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाहर आओ सारे आ जाओ।